सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। दोस्तों, कुंभलगढ़ जाने का प्लान है। कुंभलगढ़ का 3-4 दिन का प्लान है। पहले नीचे शॉप में चलता हूँ, कपड़े कुछ इतने खास नहीं है तो शॉप में से शॉप को ओपन करके 2-3 जोड़ी कपड़े निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रही अपनी शॉप। शॉप तो फिलहाल अभी मतलब बंद है, पूरा सुमसाम है और सुबह के 4:30 बज रहे, तो आप भी समझ सकते हो, कोई होगा नहीं। चलिए शॉप ओपन कर लेते हैं, 1-2 जोड़ी कपड़े निकाल लेता हूँ। शॉप तो ओपन कर लिए, लाइट वाइट लगा लिए, यहाँ से थोड़ा पंखा ऑन कर देते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। पेंट यहाँ ऊपर से 1-2 ले लेता हूँ, 34 आती है मेरे को, 34 बहुत कम पीस बचे हुए। और कुछ टी शर्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, एक्सेल एक्सेल टी शर्ट्स यहाँ पे कुछ मैंने रखे हुए थे काफ़ी अच्छे। दोस्तों, 1-2 जीन्स भी ले लिया वहाँ से, ऊपर से वो बैग के अंदर रख दिया मैंने बहुत जल्दी में। उर्वेश का फ़ोन आ रहा है बार बार, ये ब्लू टी शर्ट मैं इधर ही पहन लेता हूँ और ये ब्लैक को अंदर डाल दूंगा। तो गाइस, फाइनली मैं उर्विश के यहाँ पे आ चुका हूँ। हाँ, ये उर्विश की गाड़ी पीछे खड़ी है, होंडा मोबिल, इसके अंदर ही हम जाएंगे। बाहर एक्चुअली बहुत सुमसाम है तो उर्विश ने गेट वगैरह खोला, बोला थोड़ी देर अंदर बैठ, थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली दोस्तों, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये देखिए, आइस बॉक्स हम लोग रेडी कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, पानी की बॉटल वगैरह ऑलवेज यहाँ पर। उर्विश की गाड़ी में बैठने का फ़ायदा ये है कि ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक 24 घंटे आपको मिलेगी। कभी भी आधी रात को उठ जाओ, हाँ, ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स होती है वगैरह सब ला के रखना चालू कर दिया। तो कोक है यहाँ पर फिलहाल, अभी कोक हमने ले लिए थोड़ी सी स्टॉक में। अच्छा, फाइनली थोड़ी सी चॉकलेट्स भी हमने वो भी ले लिए, ये वाली चॉकलेट है मैक्स प्रोटीन अल्टीमेट, 2-3 भी ले लिया। आइस भी रख दिया, पानी की बॉटल रख दी है, कोल्ड ड्रिंक रख दिया है। सो गाइस, उर्विश के वहाँ से निकल गए अपने 2 फ्रेंड और है, सोमू दादा और नीलेश भाई। अब इनको पिकअप करके हम जाएंगे मेरे को तो दिखा। अदानी शांति ग्राम, मैं उर्वेश हूँ ये। सो गाइस, फाइनली हम सब लोग मिल गए, हमारे सर भी मिल गए सब, एक ये दो और तीन चार, टोटल 4 गाड़ी हो गई है। हम लोग निकल रहे, मुझे लाइव लोकेशन शेयर करने को बोला है, हमारी गाड़ी सबसे आगे रहेगी, पीछे 3 गाड़ी हमको ही फॉलो करेगी। गाइस, अभी रास्ते में ब्लिस वाटर पार्क है मेहसाणा के पास, हम लोग वहाँ पे रुके हैं। वहाँ पे ब्लिस फूड कोर्ट है, वहाँ पे कुछ खाएंगे, थोड़ा मज़ा आएगा। ये ब्लिस का फूड कोर्ट है, शायद अभी मतलब खुला नहीं है, सुबह के 7 ही बज रहे। हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे, अभी गाड़ी वाड़ी रुकाई है। उर्विश की आइस बॉक्स खुल रहा है, आइस बॉक्स के अंदर से भाई पानी वानी निकालेंगे, चॉकलेट है, कोक मारेंगे। ज़बरदस्त एरिया स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा उर्विश उसके बारे में बोल रहा है कुछ। उर्विश भाई, हाँ, ये आप देख सकते हैं कि जंगल का एरिया स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ये है जेसोर स्लॉथ बियर सेंचुरी एरिया, यहाँ पर काफी सारे स्लॉथ बियर देखने मिल सकते हैं अगर अंदर की साइड आप जाएंगे। गाइस, रास्ते में रुके, थोड़ा सा स्लाइस वगैरह ले लिया। मैं सोच रहा था कि कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, मतलब यानी कि वो थम्सअप पेप्सी वगैरह, पर मैं सोचा स्लाइस अच्छा रहेगा, थोड़ा पेट में आराम भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वो माउंट आबू है, माउंट आबू बहुत फेमस है, मोस्टली अहमदाबाद के लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। वो पहाड़ एग्जैक्टली उसके ऊपर है रास्ता, एक्चुअली वो साइड से पूरा हिल स्टेशन है, राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन, राजस्थान का ओनली स्टेशन। और सबसे अच्छी बात है कि गुजरात और राजस्थान की सबसे ऊंची जगह ये, ऊपर एक एरिया है उसका नाम क्या है उर्विश, गुरु शिखर। वो गुजरात और राजस्थान के लिए भी एक जगह रुके, होटल प्रियंका ऐसा कुछ नाम है, सब लोग यहीं पे इकट्ठा हुए, मोस्टली सारे के सारे सब लोग यहाँ एक जगह मिल भी एक जगह आ चुके हैं यहाँ पे। मुझे हम लोग हैं कि नहीं? अरे आप भी हो ना, क्यों नहीं हो। तो सब यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, सब लोग अभी खाना वाना खा रहे हैं। मीट माय रिस्पेक्टेड सर आदिल सर, माय वाइस प्रेसिडेंट साइमन सर, सौरभ, थैंक यू सो मच आदिल भाई, माय फ्रेंड एंड माय गाइड उर्विश। दोनों तरफ से पहाड़ है और हम जा रहे हैं बीचों बीच, बहुत ही जबरदस्त तरह का रोड है ये। हमने एक काम किया, हमने हाईवे से हट के थोड़ा अंदर जंगल की तरफ आए, थोड़ा लेपर्ड भालू वगैरह यहाँ पे दिखेंगे, तो हमारा दोस्त उर्विश दिखे, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहा है गाड़ी।
गाइज यहाँ पे एक जगह जंगल टाइप का एरिया आपको मैंने बताया था, वहाँ पे रुके, ऊपर वो पहाड़ है वहाँ पे जाएंगे तो सबने बोला लेपर्ड वगैरह वहाँ पे दिखते हैं, थोड़ा चांस है, रीच भालू वगैरह जो होते हैं वो भी दिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे, भालू वालू देखने का चांस। समुद्र था भालू दिखेगा यहाँ पे क्या लगता है? दिखेगा जरूर दिखेगा। ठीक है चलिए दोस्तों, थोड़ा देखते हैं, थोड़ी देर रुक के अगर दिख जाएगा तो मज़ा आ जाएगी। गाइज जस्ट लोकेशन तो देखिए क्या बढ़िया लोकेशन है, वो सामने पहाड़ वगैरह। अभी हम वहाँ पर ऊपर तक गए थे पर वहाँ पे कुछ दिखा नहीं तो अब वापस आ गए हम लोग नीचे। विनू दादा यहाँ पे खड़े हुए, विनू दादा बोल रहे पीछे वटले का झाड़ है उसके ऊपर भूत भूत वगैरह रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। पुराने लोगों का ऐसा मानना होता है कि यहाँ पे जो है इस झाड़ के ऊपर ये एक झाड़ होता है और एक पीपल का झाड़ होता है जिसके ऊपर कहते हैं कि इस पे भूत का वास होता है। इसलिए कन्हैया पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे कुछ खाना वाना खाएंगे थोड़ा सा फिर आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा होटल पे जो है एपी प्लान है। एपी प्लान यानी कि रात का खाना होता है और सुबह का ब्रेकफास्ट होता है हमारा, सिर्फ वहाँ पे दो दिन हमारा ऐसा ही रहेगा, रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट। दोपहर का हमको कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, बाहर अपने को प्राइवेट रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा। खाना आ चुका है, उर्वीश तो खा नहीं रहा, डाइटिंग वाइटिंग के कुछ चक्कर में। पनीर भुर्जी है, वेज ही मंगाया है, पनीर भुर्जी थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, और पनीर बटर मसाला ये, और दाल है, प्याज वगैरह खाएंगे, मज़ा आएगी दोस्तों। तो देखिए गाइस अभी लगभग हम आ ही चुके हैं यहाँ पर, पहाड़ वगैरह देखिए, नीचे खाई देखिए कितनी ज़बरदस्त है, वो आगे पूरी खाई ए टू जेड, और हमारा होटल एग्जैक्टली वहाँ पे कहीं है दोस्तों। फाइनली बस आ ही चुके हैं, लगभग डेस्टिनेशन 1 किलोमीटर ही दूर है। आप खाली यहाँ पर नज़ारा देखिए कितनी बड़ी खाई है, मेरे एग्जैक्टली यहाँ से खाई स्टार्ट होती है, बस यहाँ से स्टार्ट होती है नीचे, उतनी बड़ी खाई है और पीछे पूरे पहाड़ी पहाड़ है वहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम कुंभलगढ़ फॉरेस्ट रिट्रीट, आप देख रहे हो वो रहा पीछे, और गाड़ी हमने वहाँ पे लगा दी है, और चलते भी अंदर आपको दिखाते हैं किस तरह का रिसोर्ट है। हम जा रहे हैं देखिए, वहाँ से एंट्री करी हमने और अभी जा रहे हैं, रास्ता वगैरह आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा रास्ता है, और रिसोर्ट तो बहुत बढ़िया है। रिसोर्ट तो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, 4 से 5 साल पहले आ चुका हूँ, वहाँ पे ऑफिस है, पहले वहाँ एंट्री करेंगे, फिर वहाँ रूम्स है, और वो रूम्स के अंदर से ही रास्ता है स्विमिंग पूल में जाने के लिए, और सामने नदी और सामने पहाड़ आप देख सकते हो। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, लोकेशन का तो बहुत फ़ैन हूँ मैं यहाँ का, क्योंकि मैं आ चुका हूँ मुझे पता है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, देख ही रहे हो आप पहाड़ वगैरह। नदी थी वो नदी सूख चुकी है, अभी कुछ है नहीं वहाँ पर। चलिए आईडी वगैरह मांग रहे, आईडी दे देता हूँ मैं, एंट्री कर लेते हैं। हो चुकी है, लाइसेंस वगैरह उसने लिया, अब मैंने आधार कार्ड देना बंद कर दिया जब से न्यू गाइडलाइंस आई है, थोड़ा आधार कार्ड को लेकर बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम चल रही थी। देखिए जा रहे हैं रिसोर्ट के अंदर, रास्ता वगैरह देख सकते हो, उर्वीश भाई हमारे जा रहे पीछे और दूसरे सब भाई अपने यहाँ पे आ रहे हैं। थक गए हम लोग, थक गए, बहुत थक गए। उर्वीश ने खाना हजम करवा दिया, रास्ते ने हजम करवा दिया, रास्ता बहुत खराब था, बहुत ज़बरदस्त एकदम रास्ता खराब था। देखिए दोस्तों लास्ट टाइम जब आए थे तो हमारा रूम एग्जैक्टली ये वाला था, ये बालकनी वगैरह से यहाँ पे हम खड़े थे के एंजॉय करते थे, और ये एग्जैक्टली ये स्विमिंग पूल था, ये स्विमिंग पूल है, ये बड़ों के लिए, वो छोटे बच्चों के लिए, और पीछे नदी थी, मतलब हम लोग स्विमिंग में से पीछे झाँकते थे तो नदी के अंदर मतलब पानी गिरता था, और सामने पहाड़ थे, तो सोच सकते हो आप कितना ज़बरदस्त लोकेशन है। बारिश के बाद यहाँ बहुत अच्छा क्लाइमेट हो जाता है, नदी भी फुल भर जाती है, और इसके अलावा सब जगह हरियाली होती है, वो पहाड़ आपको जो ब्राउन दिख रहे हैं उस तरह के ब्राउन नहीं दिखेंगे, पूरी ग्रीनरी हो जाती है एग्जैक्टली वहाँ पे। सब बैठ के चाय पानी करते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा आती है। देखिए दोस्तों वहाँ से हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे ये ब्रिज क्रॉस करके हमें मतलब जाना है, हमारा रूम शायद वहाँ पर है। ब्रिज बनाया हुआ है बहुत यूनिक स्टाइल में, बढ़िया लग रहा है। ये रूम है एग्जैक्टली जहाँ पर मैं रुका हूँ, अंदर जाके रूम दिखा लेता हूँ, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, ज़बरदस्त रूम है। देखिए जैसे ही हम एंट्री कर रहे हैं बहुत खूबसूरत यहाँ का एम्बियंस है, वो लोग आराम कर रहे हैं भाई लोग अपने, देख ही सकते हो आप क्या शानदार बेड है यहाँ पे, रूम भी देखिए ज़बरदस्त रूम है, चाय की केतली वगैरह, चाय कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह यहीं बनाएंगे, तो खूबसूरत है एकदम। और यहाँ से बालकनी है, बालकनी में लोग बैठ के टाइम पास करते हैं, इन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए बालकनी में जा रहे हैं हम लोग, और बालकनी में जाने के साथ देखिए बैठने के लिए ज़बरदस्त शानदार इंतज़ाम है यहाँ पर, और बालकनी के बाहर का नज़ारा देखिए क्या खूबसूरत है, ओहो हो बहुत खूबसूरत। तो गाइज़ मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ स्विमिंग पूल की तरफ, एक्चुअली मैं पहले गया था थोड़ा सा नहाया, फिर उसके बाद लाइट हुई कि मैं कैमरा लेने तो भूल ही गया, तो फिर कैमरा लेने दोबारा रूम पे आया था, मैं जा रहा हूँ दिखाता हूँ स्विमिंग पूल में, थोड़ी मस्ती करते अंदर चलते हैं स्विमिंग पूल में, कूद के लगाते मज़ा आएगा।
अरे पानी के अंदर लेके जाऊंगा मैं, मेरा शॉट ले रहा है वो मीत। क्लोरीन ज़्यादा है पानी में, कुछ ज़्यादा ही क्लोरीन है, इस वजह से जो है ठीक से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर थोड़ी देर में क्लोरीन पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए झाग जो होता है, ज़्यादा क्लोरीन डाल दिया भैया ने, क्लोरीन ज़्यादा होने की वजह से आग भी जलती है, पर मज़ा बहुत आ रही है हमको गाइस। अरिक भाई, आदिल भाई, क्या प्लान है इसके आगे का, अपने को क्या करना है? खाना खाने जाना है। तो शायद आपको ये कम बात पता होगी कि मैं स्विमर रह चुका हूँ लगभग 2011 से लेकर 2016 या 2016 तक ही, हाँ बिल्कुल 16 तक ही। अहमदाबाद के जो बड़े बड़े टॉप टू स्विमिंग पूल है, एक CTM है, एक सारंगपुर है, वहाँ पे मैं काफ़ी मतलब मैं एक्टिव रहता था। मसाज करना हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें पानी एकदम स्पीड में निकल रहा है तो पीछे मसाज हो रही है अपनी आराम से, दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया लग रहा है, डायरेक्ट कर दिया उसको। ये दोस्तों हमारे साइमन सर आ चुके हैं बहुत देर के बाद, अभी आके बैठे हैं, अंदर नहीं आना चाहते, मोस्टली सब लोग बाहर जा चुके हैं, अभी दो चार लोग ही बचे हम लोग। कुशल है ये, कुशल तो गाइस फाइनली अभी शाम हो चुकी है, स्विमिंग पूल से सब बाहर आ गए, 7:30 बज रहे, खाना तो 7 बजे लग गया था, 10:30 बजे तक टाइम है खाने का, सब लोग ऊपर है, सबसे लेट में ही हूँ, नहा धो के कपड़े बदल के मैं चाय और रूम की लेके मैं निकला हूँ अभी। वो वहाँ वाला देखिए रिसोर्ट क्या ही बढ़िया, उसके ऊपर चाँद खिला है ज़बरदस्त, दूसरा चाँद है शायद वो पहाड़ों में, तो क्या बेहतरीन लगा। देखिए अभी ऊपर हल्की हल्की सी रोशनी है, अभी पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। रिसोर्ट तो अच्छा है ही, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम आया नहीं वैसे हमें, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। दोस्तों शाम के वक्त तो और भी बढ़िया नज़ारा है, जगह जगह इस तरह की लाइटिंग लगाई हुई है, तो बहुत ही शानदार लग रहा है, मज़ा आ गया, वर्थ है वैसे, ज़बरदस्त जगह जगह उस तरह के जो पहले गाँव में होते थे जिसमें रोशनी लगाई जाती थी, वो शब्द एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो लगाए हुए है, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके मुझे बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए। देखिए ये है एग्जैक्टली वो चीज़, पहले इसके अंदर आग जलाई जाती थी, अभी ये इन्होंने बल्ब लगाया हुआ है। सभी जनता पहले जाके बैठी हुई है, कुछ 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुशल, मीत, वसीरन, हेलो हेलो। रेस्टोरेंट देखिए क्या ही बेहतरीन बना है, अभी अंदर जाएंगे हम, खाना वाना खाएंगे, मज़ा आ जाएगी। देखिए दोस्तों खाने का इंतज़ाम तो एकदम शानदार है, उर्वेश बाबा हमारे खा रहे हैं, मैंने सूप ले लिया है यहाँ पे, सूप सिर्फ पियेंगे, खाना वाना बाद में खाएंगे। देख लो फोटो ले लो, ठीक है। हरा भरा कबाब को जिस तरह का है, वेज हाका नूडल्स, कढ़ाई पनीर, बहुत शानदार मिक्स वेज है, ओके, दाल है, चावल, जीरा राइस, रोटी नान, मीठा शीरा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अश्वत सिंह। तो मैं और रेशमा थोड़ा हमने सोचा कि बाहर थोड़ा घूम के आते, चक्कर वक्कर मार के आते, वैसे ही चाय की केटली मिलेगी तो चाय वाय पी लेंगे, और तेल की बोतल भी चाहिए, आदिल भाई मंगा रहे थे, मेरे पास भी नहीं है, बाल काफ़ी देख रहे हो रफ हो गए स्विमिंग पूल में नहाने के बाद, देखते हैं बाहर तो वैसे माहौल अच्छा है। ये रहा मेन गेट एग्ज़िट, तो फाइनली अपना रिसोर्ट वहाँ है, वहाँ से एक दुकान पर आए, शांति आमला की बोतल ले ली, थोड़ा शैम्पू वैम्पू ले लिया मैंने, और थोड़ा खाने के लिए ये सब ले लेता हूँ, अंदर तो नहीं मिलता रिसोर्ट में, ये फ्लेमिंगो हॉट नाचोस मुझे अच्छे लगते हैं, ये चाल लेता हूँ, अपने भाई लोग भी खाएंगे तो ले ही लेते हैं। अब रेशमा तुमको कुछ चाहिए? नहीं भैया यही ले लो, और नवरत्न मिक्स नहीं, ये नहीं लेना, चाट चक्का लेता हूँ, चाट चक्का ले लेता हूँ चार, हाँ सेव मोमरा कैसे भूल सकता हूँ, दो सेव। अंकल लोग बढ़िया से चाय लेके आए, रेशमा को दिया चाय, मैंने भी ले लिया है, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। यहाँ पर रेशमा ने एक्स्ट्रा चेयर मंगाई है, चाय रखेंगे, बहुत गर्म है, वो इंस्टाग्राम पे कुछ कर रही थी, शायद मुझे टैग कर रही थी कोई रील्स के अंदर,
चलिए चाय पी के बताता हूँ कैसी है। गर्म है चाय वैसे, कप पूरा भर के दिया अंकल ने टोटल, तो काफ़ी गर्म लग रही है, मतलब ऊपर तक आ गई एकदम। बढ़िया है यार, कुंभलगढ़ की चाय तो एक नंबर है। तो दोस्तों सब ले लिया है फाइनली, चाय वगैरह पी के ऐसे निकल रहे, सब थैली में भर के दे दिया अंकल ने, और चलते हैं। सामने बहुत अंधेरा है वैसे तो। तो गाइज़ फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, थोड़े अंधेरे रास्ते से आए, सब लोग बैठे वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सबके रूम अलग अलग थे, मतलब किसी के नीचे किसी के ऊपर। तो फाइनली अभी खाना खाने आ चुके हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, पहले सूप पी के गए थे, प्रॉपर अभी खाना खाएंगे, पूरा प्लेट जो लूँगा दिखाऊँगा। सो दोस्तों फिलहाल मैंने लिया है थोड़ा हक्का नूडल्स, थोड़ा मीठा शीरा, पापड़, थोड़ा सा रायता है, हरा भरा कबाब, सब्जी रोटी, चावल बाद में लूँगा, फिलहाल ये खा लेता हूँ। दोस्तों फाइनली वो खा लिया हमने जो पहले आपको दिखाया था, उसके बाद में राइस लेके आया हूँ, एक नान, एक रोटी ली है, मिक्स वेज है और पनीर कढ़ाई है, सर को चाहिए दाल तड़का है, ज़बरदस्त खाएंगे इसको, रायता भी तक रखा है मैंने। सो दोस्तों फाइनली खाना वाना खा लिया है सब ने, सब आराम करने चले गए, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी जाऊँ सो जाऊँ, बहुत लेट हो गया है, कल जंगल सफारी वगैरह भी जाने का प्लान है, बड़े बड़े बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, सक्सेस होता है कि नहीं वो अलग बात है, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। चलिए रूम तो अपना आ गया है, जाते हैं अंदर सो जाते हैं, मिलते हैं फिर कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।